Oh मस्जिद में दाखिल होने से पहले मस्जिद की दुआ पढ़ लें अल्लाहुम जिसका लेंतालीफूम यह है कि ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है नबील महताब आलम और आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज बारह रबी अवल के मुकद्दस दिन पर मैं आप लोगों को मस्जिद नबी में रौदा मुबारक और रियाजुल जन्नत की ज़्यादात करवाने वाला हूँ इस ब्लॉग में मैं आपको अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मस्जिद नबी में रौदा मुबारक और रियादुल जन्ना की ज्यारत के लिए फ़िलहाल कैसे इंतज़ाम किए गए हैं और आपको रूबरू करवाऊंगा अल नबी की सबसे प्यारी दीवार से और रियादुल जन्ना में पाँच उसतवाना से तारुफ़ करवाऊँगा साथ ही साथ बहुत सारी बातें होगी जिससे आपके इल्म को ज़रूर इजाफ़ा होगा तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा मिलती रहे जीारत की नई वीडियोस तो चलिए शुरू करते हैं जैसे ही मैं मस्जिद नबी में दाखिल हुआ वैसे ही जहर की अज़ान हो रही थी इसलिए पहले मैंने सहन में नमाज़ पढ़ी और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा और मेरा रौदा मुबारक की जियारत करने का टाइम दो बजे का था अल्हम्दुलिल्लाह जहर की नमाज़ पढ़ ली दुआ कर ली अब आगे चलते हैं गेट नंबर पाँच की तरफ जहाँ से हम रौदा मुबारक की ज़्यारत के लिए निकलेंगे एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ अगर आप भी रौदा मुबारक की ज़्यारत या रियादुल रियादुलजन्ना में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दो ऐप्स डाउनलोड करने होंगे सबसे पहला ऐप का नाम है तवक्कलना जिसमें आपको ख़ुद को रजिस्टर करना होगा और फिर दूसरे ऐप का नाम है इतमरना जहाँ से आपको ज्यारत करने का परमिट मिलेगा मर्द हजरात ये दो गेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं गेट नंबर पाँच और गेट नंबर सैतीस और अब हम जा रहे हैं बाबा सलाम की तरफ़ जो मस्जिद नबी का गेट नंबर वन है और इसे बाबा सलाम इसलिए कहते हैं क्योंकि नमाजी यहीं से दाखिल होते हैं ज़ियारत और सलाम अर्ज़ करने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाबा सलाम के सामने ऐसे ट्रैक्स बनाए हुए हैं जहां से हम अभी थोड़ी ही देर में रौदा मुबारक की जियारत करने के लिए दाखिल होंगे माशाल्लाह सऊदी हुकूमत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निज़ाम बना दिया है जहां आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी ज्यारत करने के लिए वरना अक्सर ज्यारत करने के लिए यहां पहले बहुत रश हुआ करता था लेकिन अब आप इत्मीनान से ज्यारत कर सकते हैं और यहाँ बाबा सलाम के पास एमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि अगर किसी नमाज़ी की तबीयत ख़राब हो या किसी भी तरह की परेशानी हो तो उनका फ़ौरन इलाज किया जाए अब हम जा रहे हैं रौदा मुबारक की ज़िदारत करने यहाँ हर थोड़ी देर पर चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ सबसे पहले आपका रौदा मुबारक की ज़्यादात करने का परमिट स्कैन किया जाएगा और फिर आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और आखिरी कदम पर मस्जिद में दाखिल होने से पहले आपको अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ करने को कहा जाएगा मस्जिद नबी की एक बहुत ही प्यारी बात आपसे शेयर करता हूँ जैसे ही आप बाबा सलाम से दाखिल होंगे आपके राइट साइड जो दीवार होगी उसे किबला वॉल कहते हैं जो बाबल बकी तक जाती है यह नबी की सबसे प्यारी और ख़ूबसूरत दीवार है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे गए हैं और इस पर क़ुरान मजीद की कुछ आयतें भी लिखी हुई हैं उससे कुछ कदम दूर ही बाबल इमाम है जहाँ से नबी के इमाम नमाज़ पढ़ाने आते हैं थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको लेफ़्ट साइड में मेबर रसूल दिखेगा ये वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे और उससे कुछ ही दूरी पर आपको दो सबसे अहम चीज़ें दिखेंगी सबसे पहली मेहराब रसूल जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाया करते थे और दूसरी उस्तवाना हनाना जो उस्तवाना मुखलका के नाम से भी मशहूर है इंग्लिश में उस्तवाना पिलर्स को कहते हैं ये वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे इसीलिए यहाँ महराब रसूल बनाया गया और ये महराब उस्मान बिन अफ़ान रदी अला का है जहाँ से वो नमाज़ पढ़ा करते थे और ये मस्जिद नबी की आखिरी तोसी थी इसके बाद मस्जिद इस तरफ से आगे नहीं बढ़ाई गई इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि जितना हो सके दरूज शरीफ पढ़ें और सलाम अर्ज़ करें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हुजरा मुबारक में पर्दा फरमाए जो पहले आयशा रदी अन्हा का हुजरा मुबारक हुआ करता था साहब इकरान ने मशवरा किया कि पैगंबर इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए कुछ साहबों ने कहा कि मिनबर के पास तो कुछ ने कहा कि बकी में फिर अबू बकर रदी अला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का हवाला देते बताया कि नबी का मतफ़न वही मकाम होता है जहां उसकी रूह कब्ज़ की जाती है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीब्र मुबारक के साथ दो और क़ब्र मुबारक मौजूद हैं, जो अबूबकरसिद्दीक़ रदी अला की है और उमर इबन अलखताब रदी आ है ज़्यारत से ही निकलते ही आपको बाबुल बकी का दरवाज़ा मिलेगा और इसका नाम बाबुल बकी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दरवाज़ा सीधे जनतुल बकी के सामने खुलता है अभी तो फ़िलहाल बकी की ज़ियारत बंद है वरना मैं आपको ज़रूर बकी की ज़ियारत करवाता कुछ अलग ही कैफियत है मेरी हमारे प्यारे नबी सल्ह वसम की ज़्यारत कर के बाद जो मैं लफ्ज़ों में तो बिल्कुल बयान नहीं कर सकता बस इतना कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही बहुत वक्त से रौदा मुबारक की जियारत करने का इंतज़ार कर रहा था मैं यही दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि वो तमाम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द मदीना आने की और रौदा मुबारक की ज्यारत नसीब फरमाए बाबा ज के सामने ये वो लोगों का काफ़िला है जो रियादुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं जहां हम भी थोड़ी ही देर में दाखिल होंगे और अब हम जा रहे हैं रियादुल जन्ना, जहां हम दो रकात नमाज़ पढ़ेंगे कोरोना को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए आपको जन्ना में नमाज़ पढ़ने के लिए सिर्फ़ दस मिनट का वक्त दिया जाएगा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि मेरे घर और मेरे मिनबर तक के दरमिया का जो हिस्सा है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है यानी यह हिस्सा जन्नत का एक टुकड़ा है जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियादुल जन्नत का नाम अता फरमाया ये मस्जिद का वो हिस्सा है जो बाक़ी सभी हिस्सों से मुमताज़ मोहतरम और मुक़दस है और अब हम बात करेंगे चार ऐसे उसवाना के बारे में जिनका मैं वीडियो बना पाया सबसे पहले उसवाना अलफूत अलफूत का अंग्रेज़ी तर्जुमा ग्रुप्स है जब भी लोग हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आते वो यहीं बैठकर उनसे मिलते और इस्लाम की बातें करते और उसके साथ ही मौजूद है उसवाना अलर्स जो उसवाना अली रदी के नाम से भी मशहूर है हर्स का अंग्रेज़ी में तर्जुमा वॉच करना या प्रोटेक्ट करना होता है क्योंकि अक्सर अली रदी यहाँ बैठ कर हमारे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे तीसरा उसाना है उसवाना अलसरीर शरीर का अंग्रेज़ी में तर्जुमा बैठ होता है यहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्ल वसलम की चारपाई रखी जाती थी और अक्सर यहीं पर वह एहतिकाफ किया करते थे और आखिरी उसवाना है उसवाना आयशा रदी का हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस मस्जिद में एक ऐसी जगह है जहां नमाज़ पढ़ने की इतनी फ़ज़ीलत है कि अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग आपस में कुरा अंदाजी करें और अब मैं मौजूद हूँ गुम्बत ख़दरा के बाहर जो करोड़ों मुसलमानों के दिल में बसता है और हर एक मुसलमान की बस यही हसरत होती है कि ज़िंदगी में एक बार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत और उनको सलाम कर सकूं। और गुमत खदरा का ये दिलकश नज़ारा देख सको तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा कि आप मदीना में ऐसी कौन सी जगह की जियारत करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना और अपने वालद और वालदी का ख़्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें फ़ी अमान लाँ